नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला आज फिर उपस्थित हुआ हूँ साप्ताहिक राशि फल लेके 18 अप्रैल 2022 से 24 अप्रैल 2022 तक ये 7 दिन कैसे रहने वाले विभिन्न राशियों के लिए, किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान, कहाँ सावधानी रखनी है और किन चीज़ों से आपको जो है सफलता मिलेगी, उन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। लकी नंबर पे भी बात करेंगे। इस हफ्ते में पड़ने वाले तीज त्यौहार पे बात करते हैं। सबसे पहले गणेश चतुर्थी व्रत जो है 19 तारीख को पड़ेगा। 23 तारीख को शीतला सप्तमी व्रत पड़ेगा। जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए मैंने बताया कि ये 2 दिन जो है, इस दिन जो है ये व्रत पड़ेंगे। अब चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में किन चीज़ों से लाभ, किन चीज़ों से नुकसान। देखिए मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, हफ्ते की शुरुआत अगर कहें तो चंद्रमा सप्तम भाव में रहेगा, सप्तमस्थ चंद्रमा। ऐसे में कहा जाएगा कि हफ्ता बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। कोई भी निर्णय लेना हो, चाहे वो कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, किसी से मिलना हो अपने काम को बढ़ाने के लिए या किसी से लाभ लेने के लिए, इस हफ्ते में बहुत अच्छा नहीं है। कोशिश ये करें कि आगे बढ़ा दें, कोई जरूरी मीटिंग है तो। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा नहीं है। जो भी जीवन साथी है उसको लेके तनाव को दिखता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये हफ्ता अच्छा नहीं कहलाएगा। माइग्रेन की समस्या जिन लोगों को रहती है, जिन लोगों को हार्ट या खून से संबंधित समस्या रहती है, खून जनित बीमारी जिसे कहा जाता है, और खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए ये समय उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है। वाहन आराम से चलाइए। कार्य क्षेत्र में भी अवरोध उत्पन्न होगा, जहां पर भी आप काम करते हैं सावधान रह के चलें, किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें। जो लोग विदेश या विदेश से संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किसी को पैसा दे के अपना काम कराना चाह रहे हैं, उन चीज़ों में बेहद सावधानी बरत के चलिए। ये समय उन चीज़ों के लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। इस हफ्ते में अगर कहें तो कुछ थोड़ा मोड़ा जो दिखता है दिन अच्छे में 23 तारीख और 24 तारीख कहलाएगा। बेहद सावधानी जिसमें बरतनी है 18 तारीख 19 तारीख। शुभ नंबर की बात करें, लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए हफ्ता अच्छा है। कुछ कामों में अड़चनें आएंगी, लेकिन जैसे जैसे जो है हफ्ता बढ़ेगा आपकी अड़चनें दूर हो जाएंगी, आपको सफलता मिल जाएगी। वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें। पीछे का कोई वाद विवाद है तो उसके कारण मन खट्टा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं समझौते की स्थिति या सफलता की स्थिति दिखाई दे रही है। नए कार्यों की शुरुआत करना चाह रहे हैं उसके लिए समय सामान्य है। स्थान से संबंधित, परिवर्तन से संबंधित कोई काम करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है। सरकारी नौकरी में जो लोग हैं, सरकारी नौकरी में सरकारी तंत्र से जो लोग जुड़े हैं, उनके लिए थोड़ा सा मन खट्टा होगा हफ्ते की शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ेंगी कहीं ना कहीं ऊर्जा भी बनेगी और कहीं ना कहीं आपके काम भी बढ़ेंगे। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं या राजनीति में कुछ पद लेना चाह रहे हैं या बातचीत करना चाह रहे हैं या सहयोग लोगों का करना चाह रहे हैं, जनता का समर्थन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। भावनाओं पर बहुत ज़्यादा मत बहिएगा। कोई कुछ योजनाएँ समझाता है कि ये योजना है, ये स्कीम है, यहाँ धन लगा दो, वहाँ धन लगा दो, मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब है, मैं ये जरूर कहूँगा कि आराम से, धैर्य से, तसल्ली से, लोगों से राय लेने के उपरांत जो है आगे बढ़ सकते हैं। निवेश अगर कहा जाए सामान्यता, कोई जल्दबाजी मत करिएगा निवेश में, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। वृषभ राशि वालों के लिए अगर देखें 18 तारीख 19 तारीख बेहद अच्छी है। सावधानी जो है 21 तारीख और 22 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए अगर देखें, आपकी राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर। जो लोग प्रेम में हैं, प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं, उनके लिए तनाव का समय रहेगा। सरकारी नौकरी या नौकरी अगर छूटी है या नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो इस समय पे आपको सफलता मिलेगी। सकारात्मक दिख रहा है ये समय। धन के दृष्टिकोण से अच्छा समय कहलाएगा। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है। विदेश से संबंधित बातचीत करना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। जो लोग विदेश में हैं और वो घर वापसी करना चाहते हैं या दूसरे देश में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा।
रोगों से कहीं ना कहीं लड़ने की क्षमता इस समय पे बढ़ेगी, स्वस्थ अपने आप को महसूस करेंगे। खान पान का ध्यान रखिएगा, हफ्ते के शुरुआती दौर में एक दो दिन शुरुआत के खान पान का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा पेट इस समय पे परेशान कर सकता है। व्यवसाय या कार्य क्षेत्र के लिए समय अच्छा है, उससे संबंधित निर्णय लेने के लिए भी समय अच्छा है। अगर किसी प्रकार का साझेदारी से संबंधित कोई तनाव है तो बैठ के बातचीत कर लीजिएगा, तनाव कम हो जाएगा। विवाह से संबंधित बातचीत करने के लिए समय अच्छा कहलाएगा। मिथुन राशि वालों के अगर कहें 19 तारीख और 21 तारीख बेहद अच्छी है, सावधानी जो है 23 24 तारीख को रखना है। लकी नंबर की बात करें, नंबर एक। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए कर्क राशि वालों के अगर देखा जाए, घर को लेके चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। जहां पर भी आप रहते हैं घर को लेके चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। कार्य क्षेत्र अगर कहा जाए तो कुछ डिस्टर्बेंस शुरुआत में रहेगा, जैसे जैसे हफ्ता बढ़ेगा कार्य क्षेत्र में डिस्टर्बेंस कम हो जाएगा। धन की आवश सामान्य है, किसी प्रकार से विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कामों के लिए अच्छा है। स्थानांतरण से संबंधित चीजों में बात करेंगे, शुरुआती दौर में चीजें फंसेंगी। स्थानांतरण मतलब हो गया जगह का चेंज करना, नौकरी या व्यवसाय, ठीक है, उससे संबंधित चीजों के लिए समय सामान्य है। कोई पुराना मित्र मिल सकता है, लोगों का सहयोग इस समय पे कम मिलेगा। अपनी मेहनत पे ज्यादा भरोसा करिएगा, अपने आंख कान पे ज्यादा भरोसा करिएगा। वाद विवाद झगड़े झंझट अगर चल रहे थे तो उससे निजात मिलेगी। धन के दृष्टिकोण से समय बेहद अच्छा कहलाएगा, कुछ रुकावटों के साथ में, और वो रुकावटें अगर कहा जाए हफ्ते की शुरुआत में होंगी। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहें 21 तारीख और 23 तारीख बेहद अच्छी है, 18 तारीख 19 तारीख सावधानी बरतनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3 मतलब 3। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए सिंह राशि वालों के लिए कर्क अगर कहा जाए, तनाव से पूर्ण रहेगा पूरा हफ्ता। कार्य क्षेत्र में भागा दौड़ी बहुत रहेगी, यात्राएं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सफल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। यात्रा से संबंधित चीजों में अवरोध उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता को लेके तनाव, पिता का स्वास्थ्य या अन्य कोई बात हो, पिता को लेके तनाव की स्थिति बनेगी। गर्भवती स्त्री, गर्भ से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है, ठीक है। कोई ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं संतान से संबंधित चीजों में, तो इस बीच आप तैयारी कर सकते हैं। शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। जो लोग शिक्षा को अपना जो है दोबारा से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है, और खासकर हफ्ते का लास्ट का पीरियड। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहें 23 तारीख और 24 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 18 तारीख 19 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, अनावश्यक का तनाव धन को लेके होगा। धन के व्यय से बचिए, क्योंकि खर्च इस हफ्ते में ज्यादा दिखाई दे रहा है। यात्राएं सोच समझ के करिए। ससुराल पक्ष से मतभेद या ससुराल पक्ष से जो है तनाव की स्थिति, कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है, ससुराल में किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए या आपका जो है कोई ऐसा ही बात हो, उसको लेके तनाव की स्थिति बन रही है। यात्राएं इस समय पे संभव हैं। व्यवसायियों के लिए अगर कहा जाए तो निर्णय सोच समझ के लीजिएगा। धन के आवागमन से संबंधित बातचीत की जाए तो सामान्य है। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा नहीं है। कुछ ऐसी बातें आपके घर परिवार में होंगी जिसके कारण मन दुखी रहेगा इस हफ्ते में अगर कहा जाए। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 18 तारीख 19 तारीख सामान्य है, अच्छी है, लेकिन जिसमें सावधानी आपको बरतनी है। 21 तारीख और 22 तारीख को सावधानी बरतनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 7 मतलब 7। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, हफ्ता बेहद अच्छा है, ऊर्जा बनी रहेगी। मन में अकारण कुछ ऐसी बातें आपके आएंगी जिसके कारण जो है कुछ तनाव भी उत्पन्न होगा, कुछ डर का महसूस करेंगे, कोई बात को लेकर डरेंगे भी। संतान को लेकर चिंताएं इस हफ्ते में बढ़ेंगी। गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखें। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए बेहद अच्छा है, नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। अगर किसी के साथ साझेदारी में काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करें, अपनी आंख कान खोल के चलें। कर्ज लेना कर्ज देना दोनों सामान्य है, ठीक है, कर्ज लेना कर्ज देना दोनों ही सामान्य कहलाएगा। सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी वालों के लिए समय अच्छा है, धन से संबंधित चीजों में बढ़त,
और खासकर अगर कहा जाए प्राइवेट नौकरी वालों के लिए, एक समय इस हफ्ते में आपको दिखेगा कि बॉस जो भी आपके आला अधिकारी हैं उनसे तनाव भी दिखाई दे रहा है और उनसे कहीं ना कहीं लाभ भी दिखाई दे रहा है। तो अपने क्रोध पे नियंत्रण करके चलिएगा, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। तुला राशि वालों के लिए अगर कहें 21 तारीख और 22 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 18 तारीख और 23 तारीख को रखनी है। 18 और 23 लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहें वाद विवाद झगड़े झंझट मुकदमेबाजी इत्यादि चीजों से अपने आप को बचा के चलिएगा। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए सामान्य है। जो लोग विदेश में हैं अपने घर आना चाह रहे हैं या देश में आना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए तनाव इस समय पे बढ़ेगा। जो लोग विदेश में हैं और वहां का परमिट चाह रहे हैं उसको लेके तनाव होगा। जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं घर परिवार को लेके भी इस समय पे कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसके कारण चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। सरकारी नौकरी में है तो सोच समझ के चलिएगा, देख दाख के चलिएगा, कोई भी गलत कार्य मत करिएगा, ये समय उसके लिए अच्छा नहीं है। कहते नहीं कि अपमान या कलंक या कोई ऐसी बात हो गई जिसके कारण आपकी छवि जो है कहीं ना कहीं धूमिल हुई, वो स्थितियां बनती हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए सर का दर्द हो गया, कमर दर्द हो गया या हड्डी से संबंधित समस्या इस समय पे उत्पन्न होगी। गाड़ी आराम से चलाइए, चोट चपेट के योग हैं, वो चोट चपेट अगर कहा जाए वाहन से भी बनते हैं और वैसे भी खड़े खड़े गिर जाए या आराम से सावधानी से चलें, धैर्य से चलें, आराम से चलेंगे दो मिनट देर से जो है पहुँचेंगे लेकिन पहुँच जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहें 18 तारीख 24 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 21 तारीख 22 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 2। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए धनु राशि वालों के लिए अगर देखें आपकी राशि से लाभ भाव में गोचर चंद्रमा का, ऐसे में कहा जाएगा चंद्रमा का लाभ में गोचर कहीं ना कहीं धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन यह भी कहा जाएगा कि तनाव भी इस हफ्ते में होगा। जिनको आप अपना समझते हैं, जिनको आप करीबी समझते हैं उससे धोखा लग सकता है। किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिएगा। कर्ज देने से कर्ज लेने से दोनों तरीकों से अपने आप को बचा के चलिए। कर्ज के कारण मन खट्टा होगा, किसी से अगर आपने धन उधार लिया है या कोई कर्ज है उसके कारण मन खट्टा होगा। धन की आवत अगर कहा जाए व्यवसायियों के लिए अगर बात करें तो सामान्य है। नए कार्यों से संबंधित चीज़ों में हफ्ते की लास्ट में आप जा सकते हैं, अंत में जो डेट मैं बताऊंगा उस डेट में जा सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर साझेदार से आपका तनाव है उसके लिए समय सामान्य कहलाएगा। धनुराशि वालों के लिए अगर कहें 21 तारीख और 22 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 18 तारीख 19 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए हफ्ता अच्छा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, लाभ होगा इस पीरियड में। नौकरी अगर नहीं है नौकरी से संबंधित विकल्प आपको मिलेंगे, अपने प्रयासों को बढ़ा दीजिएगा। माता के स्वास्थ्य या घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय हो सकता है, वाहन आराम से चलाइए। नए अगर कार्य कोई करना चाह रहे हैं तो धैर्य से तसल्ली से करिएगा, लोगों की राय लेने के बाद आगे बढ़िए। पिता या गुरु कोई ना कोई ऐसा मिलेगा, पिता की कोई राय हो या कोई गुरु हो। गुरु का मतलब ये भी होता है कि जहाँ पर भी काम करते हैं या कार्य क्षेत्र में या कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए जो आपका सहयोग करते हैं, वो भी गुरु है, उसके कारण व्यक्ति को लाभ मिलेगा। जो लोग राजनीति में है, पॉलिटिक्स में है, सरकारी तंत्र से लाभ लेना चाह रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। कर्ज से संबंधित चीज़ों के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। संतान को लेके इस समय पे तनाव होगा, संतान या संतान की कोई ना कोई ऐसी स्वास्थ्य हो गया या अन्य कोई बात हो गया, तनाव होगा। संतान के ऊपर धन लगाना चाह रहे हैं, पैसा लगाना चाह रहे हैं उसके कार्य क्षेत्र के लिए, उसके लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। मकर राशि वालों के लिए अगर कहें तो 18 तारीख और 24 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 21 तारीख और 22 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए हफ्ता पूरा ही अच्छा है, बस अपने दिमाग पे कंट्रोल करके चलिएगा। किसी भी प्रकार की सावधानी, कहते नहीं है कि हड़बड़ाहट जल्दबाजी में बनते काम बिगड़ गए वाली स्थितियां दिखती हैं। यात्राएं सोच समझ के करिएगा, भाई बहनों से इस समय पे तनाव मिलेगा या उनको तनाव हो, कोई ना कोई दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया या फिर कह लीजिए आपके साथ कोई बात हो,
कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है भाई बहनों को लेके तनाव होगा, किसी भी प्रकार का जमीन या मकान से संबंधित काम करना चाहते हैं या उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा है। जो लोग नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। जो लोग नौकरी में स्थान का परिवर्तन करना चाहते हैं, मतलब ट्रांसफर कराना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। उससे संबंधित बातचीत कर सकते हैं, ये समय आपका साथ देगा। व्यवसायियों के लिए विशेषकर समय कहलाएगा, नए कामों की शुरुआत कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता नहीं दिखाई दे रही है। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहें तो 18 तारीख और 21 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 23 तारीख और 24 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 7। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए मीन राशि वालों के लिए अगर देखें, आपकी राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर केतु के साथ, मन में अकारण तनाव रहेगा, अकारण डर बनेगा, किसी बात को लेकर जो है मन डरेगा। और वो बात मैं कहूं तो पारिवारिक बातें होंगी, किसी का स्वास्थ्य को लेकर जो है मन में तनाव होगा, क्योंकि घर परिवार में स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के लिए थोड़ा सा चिंतादायी समय है। माता या पिता दो में से, यात्राएं सोच समझ के करें, गाड़ी घोड़ा आराम से चलाएं। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि दुर्घटना के योग बनते हैं या चोट चपेट के योग बनते हैं। कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतें। व्यवसायी अगर मैं कहूं, व्यवसायियों के लिए कहूं, तो कहीं ना कहीं आपाधापी का समय रहेगा, उस हिसाब से इस हफ्ते में लाभ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। किसी प्रकार की उधारी से अपने आप को बचा के चलें। धन लेना और धन देना दोनों ही बहुत अच्छा नहीं है। कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव इस समय पे बढ़ेगा और व्यय और खर्च को लेके मन खट्टा होगा, खर्च इस समय बेहद होंगे। जो लोग गुण ज्ञान से संबंधित चीजों के लिए अच्छा समय है, रिसर्च से संबंधित चीजों के लिए अच्छा समय है। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके लिए समय खराब है। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित निर्णय लेने के लिए समय खराब है। इन चीजों में सावधानी बरतिएगा। मीन राशि वालों के लिए अगर कहें, 21 तारीख और 24 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 18 तारीख 19 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक का राशिफल मैंने बताया। हालांकि बीच में राशिफल बंद कर दिया था किन्हीं कारणों से, लेकिन आप लोग का प्रेम और उस प्रेम के कारण मुझे दोबारा से बनाने पे मजबूर होना पड़ा। भले कम लोग देखते थे लेकिन देखते थे लोग, और जो देखते थे वो दिल से देखते थे। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, मुस्कुराते रहिए, घर परिवार का साथ दीजिए, घर परिवार के साथ रहिए। बहुत लंबा जीवन नहीं है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, बहुत जी गए तो 100 साल, इससे ज्यादा नहीं जिएंगे। और उसी में जो है भाई से लड़ेंगे, पिता से लड़ेंगे, माता से लड़ेंगे, सबसे लड़ लेंगे। कभी बैठिए, धैर्य से बैठिए, तसल्ली से बैठिए, रात में सोचिए कितना लंबा जीवन है, और जो आपको जीव धरती पे लाया है, जो जीवन दिया है, जो लोग उनसे लड़ते हैं या उनका अहित करते हैं, तो मैं ग्रहों में अगर कहूँ, राहु और शनि दो ग्रह ऐसे हैं जो पापक ग्रह कहलाए हैं, दो ग्रह ऐसे हैं जो आदमी की औकात बताते हैं कि आदमी की औकात क्या है। मत करिए ऐसा कोई काम, घर के साथ बने रहिए, बहुत लंबा जीवन नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।